हेलो एवरीवन दिस इज़ द फर्स्ट वीडियो ऑफ द चैप्टर मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इस चैप्टर के फर्स्ट वीडियो है और इस वीडियो में हम लोग इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे ठीक है तो बेसिकली देखो चैप्टर का नेम है मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दैट मींस जो इनहेरिटेंस है इनहेरिटेंस का मतलब है द ट्रांसमिशन ऑफ द करेक्टर्स फ्रॉम द पेरेंट्स टू देयर ऑफिस ब्रिंग्स दैट मीन्स कि जो करेक्टर्स हैं जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में या फिर पेरेंट्स से उनके ऑफिसप्रिंग्स में ट्रांसफ़र होते हैं उसका क्या एग्जैक्टली exactly बेसिस है मतलब क्या कौन सा मॉलिक्यूल है जो इन करेक्टर्स के ट्रांसमिशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है या जो हैडिटरी इंफॉर्मेशन है वो किस फॉर्म में एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में जाती है उसका एक्चुअल में क्या उसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर है उसका क्या मोलिकुलर लेवल है तो दैट मीन्स हम मोलिकुलर बेसिस की स्टडी करेंगे इनहटेंस के बारे में इस चैप्टर में ठीक है तो ना हम लोग स्टार्ट करते हैं चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन देखो जैसा हम लोग ने देखा फ्रेडरिक मिशर फ्रेडरिक मिशर वाज़ अ फर्स्ट 1869 में स, जिसने सबसे पहले जो पस सेल्स होती हैं जो डेड डीके सेल्स होती हैं जो पस सेल्स होती हैं उनमें उनके न्यूक्लियाई में एक एसिडिक मटेरियल देखा था इसको रिपोर्ट किया था दैट इज नोन एज न्यूक्लिन उसको उन्होंने न्यूक्लिन नाम दिया था ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्रेडरिक मिशर थे उन्होंने पस में पसस मतलब एग्जैक्टली exactly ये एक तरीके से फिजिशन जो थे इन जो बहुत सारे जो पेशेंट्स आते थे हॉस्पिटल्स में और उनके बैंडेज कर, करते थे तो उन बैंडेज से जो उसमें जो बैंडेज होती थी उसमें जो सेल्स हो जाती थी जो डेड डी पार्ट होता था पस सेल्स होती थी उनको वो वॉश करके बाद में उससे उसका जो मटेरियल है न्यूक्लिक एसिड वो उन्होंने उसको डिस्कवर किया था उसमें और बाद में उसको न्यूक्लिन नाम दिया जिसको बाद में अल्टमान ने एटीन जो दूसरे साइंटिस्ट हैं ये एटीन में इन्होंने न्यूक्लिक एसिड नाम दिया ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिस्कवरी बोलेंगे कि जो न्यूक्लिक एसिड उसको फर्स्ट ऑफ ऑल किसने डिस्कवर किया तो वो फ्रेडरिक मिशर हैं और उसको न्यूक्लिक एसिड जो टर्म था वो अल्टमान ने दिया दे आर फाउंड इन द न्यूक्लियस एज वेल एज साइटोप्लाज्म मतलब जो न्यूक्लिक एसिड है ये न्यूक्लियस में होता है सेल के और सेल के साइटोप्लाज्म में भी होता है ठीक है नाउ डी एन ए एंड आर एन ए मत दैट मीन्स डी राइबो न्यूक्लिक एसिड एंड राइबो न्यूक्लिक एसिड ये दो टाइप के न्यूक्लिक एसिड हैं जो लिविंग सिस्टम में दैट मीन्स सेल में पाए जाते हैं ठीक है दो तरह के निक्वलिकीएनए एंड आर एन ए द जेनेटिक मटेरियल इन द मोस्ट ऑफ दर्गनिज्म जो ऑर्गनिज्म हैं मतलब नाइंटी नाइन परसेंट जो हैं उनमें डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है एक्सेप्ट सम वायरसेस क्योंकि वायरस भी जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव करता है बट ओनली इन सम वायरस बाकी आर का जो होता है वो बहुत ज़्यादा फंक् तरह तरह के फंक्शंस होते हैं ये एक मैसेंजर मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है आर के दूसरे फंक्शन से ये अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह फर्क करता है ये स्ट्रक्चरल फंक्शन uh, में हेल्प करता है ये स्ट्रक्चर बनाता है एंड इन सम केसेस एज अ कैटेलिटिक मॉलिक्यूल है ये कैटेलिटिक मॉलिक्यूल भी होता है दैट मीन्स एक एंजाइम की तरह भी बिहेव करता है आर एन हाईली रिएक्टिव होता है ये इसका कैटेलेटिक फंक्शन होता है ये अडाप्टर मॉलिक्यूल की तरह होता है ये स्ट्रक्चर फॉर्म करता है राइबोसोम का और ये एक मैसेंजर आर की तरह भी रोल प्ले करता है मैसेज पहुँचाता है तो दैट मीन्स तो डी एन ये दो तरह की न्यूक्लिक एसिड हैं, जिसमें मेनली जो जेनेटिक मटेरियल है जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है वो होता है डीएनए और आरएनए जो होता है वो कुछ वायरसेस में आरएनए भी जेनेटिक मटेरियल होता है बाकी पूरे लिविंग सिस्टम में ये मैसेंजर की तरह एडेप्टर की तरह स्ट्रक्चरल मॉलिक्यूल की तरह और कैटल्टिक मॉलिक्यूल की तरह फंक्शन करता है चलो हम लोग आगे बात करते हैं डी एन द डी एन के बारे में क्या है डी एन इज़ द स्टोर हाउस ऑफ जेन जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्योंकि हमें पता है कि डी एन ए पे होते हैं जीन्स और जीन्स क्या होते हैं जीन्स वो इन्फॉर्मेशन होती हैं जो हमारे बॉडी में जितनी भी प्रोटीन सिंथेसाइज़ होती हैं प्रोटीन की सिंथिस होती है, वो जीन के थ्रू ही होती हैं मतलब दैट मींस जो हमारे बॉडी में प्रोटीन बनती हैं उसकी इन्फॉर्मेशन जीन पे ही कोड होती है और जीन जो होता है वो होता है डीएनए पे। तो एक तरीके से कह सकते हैं कि जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है उसका जो स्टोर हाउस है वो है डी इट ट्रांसफर्स द हेरिट्री इन्फॉर्मेशन मतलब जो डीएनए है वो ट्रांसफर करता है इन्फॉर्मेशन को पेरेंट्स से उनके ऑफ स्प्रिंग में मतलब पेरेंट्स की जो ऑफ इन्फॉर्मेशन है वो ऑफिसप्रिंग में ट्रांसफर होती है थ्रू डीएनए इट आल्सो ट्रांसमिट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम टू आरएनए ये आरएनए को भी इंफॉमेशन देता है बट किसके लिए प्रोटीन सिंथेसिस के लिए जब प्रोटीन का फॉर्मेशन होता है राइबोसोम पे तो राइबोसोम पे जब प्रोटीन बनता है तो वो उस इंफॉर्मेशन से बनता है जो आरएनए ने उसको दी होती है और आरएनए को वो इन्फॉर्मेशन डीएनए से मिलती है न्यूक्लियोटाइड्स कंस्टिट्यूटिंग द डी एन ए आर कार डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लोटाइड्स अब न्यूक्लियोटाइड्स क्या है न्यूक्लोटाइड इज द यूनिट ऑफ द डी एन ए बिकॉज द डी एन एज द पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड डी एन ए बहुत सारे न्यूक्लोटाइड्स से मिल करके बनता है तो न्यूक्लियोटाइड इज द यूनिट ऑफ द डी एन ए और द टाइप ऑफ़ द न्यूक्लियोटाइड जो न्यूक्लियोटाइड का टाइप जो डी एन ए में होता है उससे बोलते हैं डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लियो बिकॉज डी एन ए में जो शुगर होती है वो डी डी ऑक्सीराइबोज शुगर होती है ठीक है तो डी एन एज अ लॉन्ग पॉलीमर ऑफ डी ऑक्सीराइबो न्यूक्लोटाइड्स द लेंथ ऑफ द डीएनए इज यूजअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ न्यूक्लोटाइड। ऑब्वियसली देखो डी एन ए में कितने न्यूक्लोटाइड्स हैं इसके बेसिस पर डी एन ए की लेंथ डिटरमाइन होती है और द पेयर ऑफ न्यूक्लोटाइड रिफर टू ए द नंबर ऑफ बेस पेयर्स प्रेजेंट इन इट जनरली डीएनए में बेस पेयर्स होते हैं और उन बेस पेयर्स के नंबर से हम डीएनए की लेंथ को देख सकते हैं इस बात को हम लोग आगे जब डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग क्लियर करेंगे ठीक है नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन होते हैं उसका क्या एग्जैक्टली exactly स्ट्रक्चर होता है देखो डी एन हमें पता है कि डीएनए दो न्यूक्लियोटाइड चेन से मल के बनता है दो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन ये जो ये डायग्राम आपके सामने है यहाँ पे देखो एक चेन ये है इस चेन का फाइव प्राइम एंड ऊपर होगा तो उस चेन का थ्री प्राइम एंड नीचे होगा और दूसरे का फाइव प्राइम एंड नीचे होगा तो थ्री प्राइम एंड ऊपर होगा तो दैट मीन्स ये जो सामने आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये डीएनए है क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है इसमें दो स्टैंड एक दूसरे को कॉयल कर रहे हैं जबकि आर जो है वो सिंगल स्टैंडर्ड है डी एन न्यूक्लिक एसिड होता है जबकि आर एन राइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है ठीक है तो अभी हम पहले इसको इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं तो तब हम आपको इसका डिटेल में बताएंगे देखो जितने भी डी होते हैं वो बने होते हैं पेंटो शुगर के बेस के और फॉस्फोरिक एसिड के मतलब डीएनए में तीन मेन मॉलिक्यूल दिखते हैं एक डी शुगर दूसरा नाइट्रोन बेस और तीसरा फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल डीएनए डीऑक्सीराइबो शुगर क्या होती है डीएनए में जो होती है शुगर जो पेंटो शुगर प्रेजेंट है वो है डीऑक्सीराइबो शुगर ठीक पेंटो शुगर मतलब फाइव एटम शुगर होगी इसमें नाइट्रोजनस बेसिस जो होंगे जो डीएनए चेन में होंगे वो दो कैटेगरी में आते हैं प्योरेंस और पिरीमिडन्स प्योरेंस में बेसिकली एडिनिन एंड ग्वानिन ए एंड जी होते हैं और ये दोनों जो होते हैं ये डाईसाइक्लिक नेचर के होते हैं मतलब इनका जो स्ट्रक्चर होता है केमिकल स्ट्रक्चर उसमें दो साइकिल आपको दिखेंगे डाईसाइक्लिक नेचर के होंगे जबकि जो पेमिडींस कैटेगरी के नाइट्रोजनस बेसिस होते हैं ये इसमें होते हैं थाइमिन और साइटोजीन जो डीएनए में पाए जाते हैं और ये मोनोसाइक्लिक होते हैं ठीक है नेट्रोस बेस जो होते हैं वो पेंटो शुगर से जुड़े होते हैं एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज से ये लिंकेज हम आपको जब डीएनए का मॉलिक्यूल बताएंगे तब आपको डिटेल में भी बताएंगे देन फॉस्फेट ग्रुप या फॉस्फोरिक एसिड तो फॉस्फेट ग्रुप जो होता है वो जुड़ा होता है थर्ड कार्बन पे जो ओ एच होता है न्यूक्लोसाइड के थ्रू अ फॉस्फोएस्टर लिंकेज तो बॉन्ड होता है फॉसोएस्टर लिंकेज जैसे मान लो ये फॉस्फेट ग्रुप है ये पेंटो शुगर है जिसको और ये नेट्रोबेस है ये एक न्यूक्लियोटाइड आपके सामने दिख रहा है फिर फॉस्फेट ग्रुप पेंटो शुगर और बेस फॉस्फेट ग्रुप पेंटो शुगर और बेस तो ये जो आपको सामने दिख रहा है ये तीन न्यूक्टाइड हैं और ये तीनों न्यूक्टाइड जो हैं ये आ एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं फॉस्फोस्टरलिंकस से ये आपको ये जुड़ गया और ये जुड़ गया इस तरीके से जितने भी न्यूक्टाइड्स होते हैं वो एक दूसरे से फॉसफोस्टरलिंक से जुड़े रहते हैं ये बात क्लियर हो गई है तो ये एक न्यूक्लोटाइड है ये दूसरा न्यक्लोटाइड है ये पहला न्यूक्लोटाइड दूसरा न्यक्लोटाइड और ये तीसरा न्यूक्लोटाइड इस तरीके से मिलियंस ऑफ न्यूक्लोटाइड की चेन होती है ऐसे ही सेम चेन इनके जस्ट अपोजिट इनके जस्ट सामने होती है तो वो भी मिलियंस ऑफ न्यूक्लोटाइड की चेन होती है और मेन बात ये होती है कि जो दोनों चेन्स होती हैं उसमें जो न्यूक्लोटाइड्स हैं वो एक दूसरे के कम्प्लीमेंट्री होते हैं कम्प्लीमेंट्री का मतलब है कि हमेशा इस बात का याद रखना कि जिसमें जो एडिनिन नेटवर्क बेस वाला न्यूक्लोटाइड है ये हमेशा थायमिन नेटवर्क बेस वाले न्यूक्टाइड के साथ बॉन्डिंग करता है और जो ग्वानिन नेटवर्क बेस वाला न्यूक्लोटाइड है वो हमेशा ट्रिपल बॉन्ड बनाता है साइटिन वाले या साइट्रोजिन वाले न्यूक्लोटाइड के साथ ठीक है ये आगे आपको बात समझ में आएगी यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पर आपको लेफ्ट साइड में आ रहे हैं ये सिंगल स्टैंडर्ड है इसमें आपको साइटोसिन दिख रहा होगा ग्वानिन दिख रहा होगा एडेनिन दिख रहा होगा और थाइमिन की जगह यूरेसिल होता है इसमें इसमें जो जो बेस होता है वो यूरेसिल होता है प्रीमेडिन तो ये आपको जो चार दिख रहे हैं ये आपको साइटोसिन ग्वानिन एडिनिन और यूरेसिल ये चारों नाइट्रोजन बेस होते हैं आर के जबकि डी में होता है साइटोसिन ग्वानिन एडनिन एंड थाइमिन दैट मीन्स डीएनए में थायमिन होता है और आरएनए में यूरासिल होता है बाकी तीनों सेम होते हैं बेस लेकिन डीएनए में थायमिन नाइट्रोच बेस होता है जबकि आर में यूरासिल होता है आर सिंगल स्टैंडर्ड होता है डी आपको डबल स्टैंडर्ड मिलेगा डीएनए में जो दोनों स्ट्रैंड्स होते हैं उसमें आपने देखा होगा कि इनकी पोलरिटी अगर देखी जाए तो ये दोनों एक दूसरे के एंटी पैरल हैं एंटी पैरेलल का मतलब है कि अगर एक का फाइव एंड ऊपर है तो दूसरे का थ्री एंड ऊपर है और पहले का अगर थ्री एंड नीचे तो दूसरे का फाइव एंड नीचे मतलब एक दूसरे की ये एंटी पैरेलल है अगर ये इस तरफ से डायरेक्शन में है तो दूसरा इस डायरेक्शन में है तो डी एन को हम एक तरीके से बोल सकते हैं डी एन ए इज़ कंपोज ऑफ टू पॉली न्यूक्लोटाइड चेन विच रन्स एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन विच रन्स एंटी पैरेलल इन डायरेक्शन नाउ अब हम लोग कुछ स्ट्रक्चर की बात करते हैं शुगर फॉस्फेट की बैकबोन होती है दैट मीन्स कि अगर ये फॉस्फेट है ये शुगर है तो ये बेस है ये फॉस्फेट है ये शुगर है तो ये बेस है जैसे हमने आपको बनाया था कि पी एस और बेस बेस में ए टी जी सी कोई भी आ सकता है जैसे वेट में एडेनिन आ सकता है थायमिन आ सकता है ग्वानिन आ सकता है और साइटोसिन आ सकता है ठीक है जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा यहाँ पे नीचे देखो एडेनिन बाउंड हो रहा है थायमिन से और ग्वानिन बाउंड कर रहा है साइटोसिन से इनके बीच में गौनियो साइडिन के बीच में तीन बॉन्ड है जबकि एडिनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड है ये आपको ये दोनों जो डीएनए के स्ट्रैंड्स होते हैं देखो इसमें लिखा है व्हाट होल्ड्स डीएनए स्ट्रैंड टुगेदर तो डीएनए के दोनों स्ट्रैंड जो होते हैं वो कंप्लीमेंटरी जो बेसिस होते हैं उनके आमने सामने के बॉन्डिंग से वो लोग एक दूसरे को होल्ड करते हैं दोनों स्ट्रैंड अगर इसको हम डिटेल में देखें तो पहले हम एक स्ट्रैंड देखेंगे देखो दिस इज द वन स्ट्रैंड अ सिंगल पॉलिनिकुलेटेड चेन शोइंग द फॉस्फेड एस्टर लिंकेज इसमें फॉस्फेड एस्टर लिंकेज क्या है कि जो सबसे ऊपर का सबसे आ, एंड का टर्मिनल जो फॉसफेट है वो सिर्फ एक ही फॉस्फो एस्टर बॉन्ड बना रहा है ये जो बॉन्ड है ये फॉस्फो एस्टर बॉन्ड है ये एस्टर बॉन्ड है इसे बोलते हैं एस्टर बॉन्ड ये एस्टर बॉन्ड है फॉस्फो एस्टर बॉन्ड जबकि यहाँ पे देखो ये जो दूसरा वाला फॉस्फेट है ये एक एस्टर बॉन्ड इधर बना रहा है को बोलेंगे फोस्फो एस्टर लिंकेज और ये नीचे वाले जो वाला जो अगला वाला न्यूक्लियड है उसके साथ भी ये जो बना रहा है ये दूसरा लिंकेज है तो ये दूसरा बॉन्ड है फोस्फो एस्टर लिंकेज अब यहां पे समझने की बात क्या है जो फॉस्फेट है ये दो एस्टर बॉन्ड बना रहा है एक ऊपर एक अपने खुद के न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे के ने, दूसरा जो उसका एडजस्टेड न्यूक्लियोटाइड है उसके साथ तो हर एक फॉस्फेट दो एस्टर बॉन्ड बनाता है तो एग्जैक्टली exactly इनके जो फॉस्फेट है इसमें जो बॉन्डिंग होती है इसको हम बोलते हैं फॉसफो डाएस्टर लिंकेज फॉस्फो डाएस्टर लिंकेज ये फॉसफो डाइस्टर लिंकेज होता है ठीक है तो इसको अभी हम डिटेल्स में आगे आप बात करेंगे पहले हम लोग ये देख लेते हैं देखिए ये हमने इसको रफ कर दिया अब देखिए ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये आपका एक आपको सिंगल पॉली न्यूक्टाइट चेन का स्ट्रक्चर है ठीक है सिंगल पॉली न्यूक्टाइट चेन का स्ट्रक्चर है इसमें आपको तीनों मॉलिक्यूल आपको दिखेंगे जैसे हमने आपको फर्स्ट उसमें बनाया बताए थे जैसे ये फॉस्फेट है ये आपका पेंटो शुगर है और ये बेस है अगला न्यूक्लियोटाइड दिखाएं तो डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं जैसे ये फॉस्फेट है ये ये पेंटो शुगर है और ये उसका बेस है ऐसे अगला वाला डिफरेंट कलर से दिखा देते हैं ये फॉस्फेट है ये पेंटो शुगर है और ये बेस है तो एक्जैक्टली इस तरीके से ये न्यूक्लोटाइड होता है ये एक न्यूक्लोटाइड हो गया ये दूसरा न्यूक्लोटाइड हो गया और ये तीसरा न्यूक्लोटाइड हो गया इस तरीके से तीन न्यूक्लोटाइड सी ये सामने दिख रहे हैं ऐसे लगातार कॉन्टिन्यूसली मिलियंस ऑफ न्यूक्लोटाइड मिलकर के एक चेन बनाते हैं अब इसके जस्ट सामने जो जो दूसरी चेन होगी उसमें सीक्वेंस क्या होगा एडिनिन के सामने थाइमिन वाला रहेगा थाइमिन के सामने एडनिन वाला रहेगा और गवानिन के सामने साइटोसिन वाला रहेगा ठीक है तो ये आपको क्लियर हो गया होगा नाउ अगर हम आगे बात करें तो आपका एक चेन का छोटा सा ये आपको चेन दिख रही है देखो इसमें जो लेफ्ट साइड का यहाँ पे बीच से ये दोनों अलग अलग हैं ये हमने जो बीच में मार्किंग बना दी है दैट मीन्स ये दो अलग अलग चेन हैं एक पॉलीनिक्लोटाइड चेन आपको लेफ्ट साइड में दिख रही है एक राइट साइड में दिख रही है तो यहाँ पे समझने की बात यह है कि देखो इसमें इसका फाइव प्राइम एंड है तो थ्री प्राइम एंड इसका नीचे है इसका थ्री प्राइम एंड ऊपर है तो फाइव प्राइम एंड इसका नीचे है ठीक है तो एग्जैक्टली ये प्राइम एंड होता क्या है आपने देखा होगा लेफ्ट साइड की इन चेन में देखो जो आपको पेंटो शुगर दिख रही है जो बीच में डी ऑक्सीड शुगर दिख रही है इसमें शुगर जो है इसमें अगर कार्बन एटम हम कंबाइन मतलब उसको आ, देखें उसको लिखें देखो एक ये है दो तीन चार पाँच तो देखो इसमें दिखा होगा कि ऊपर वाला जो फॉसफेट है ये फिफ्थ कार्बन से जुड़ रहा है जबकि नीचे जो दूसरे न्यूक्लियोटाइड का फॉसफेट है ये थर्ड कार्बन से जुड़ रहा है ऐसे अगला वाला देखो इस पेंटो शुगर में वन टू थ्री फोर फाइव आपको इस न्यूक्लियोटाइड में दिख रहा होगा ये हम अगर न्यूक्लियोटाइड बदल दें दोनों अलग अलग कर दें जैसे एक न्यूक्लियोटाइड मान लो कि ये है पूरा एक न्यूक्लियोटाइड आपको इधर कर दें ये न्यूक्लियोटाइड ये है ठीक है ऐसे एक न्यूक्लोटाइड ये है तो अब आप आपको इसमें दिख रहा होगा कि जो भी यहाँ पे एग्जैक्टली exactly जो सामने आपको दिख रहा है कि ये जो फर्स्ट न्यूक्लोटाइड है इसमें जो या सेकंड देखो सेकंड पे फर्स्ट तो टर्मिनल पे है सेकंड पे जो आपका फॉस्फेट है सेकंड का जो फॉस्फेट है ये पहले वाले के थर्ड कार्बन से जुड़ रहा है जबकि जो ऊपर वाला फॉस्फेट है ये फिफ्थ कार्बन से जुड़ रहा है ऐसे ही इसमें देखो ये जो न्यूक्लोटाइड है ये फॉस्फेट ये जो फॉस्फेट है ये अपने न्यूक्लोटाइड के शुगर से फिफ्थ कार्बन पे जुड़ रहा है लेकिन जो अगला वाला है अगले न्यूक्लियोटाइड का जो फॉस्फेट है वो इसके न्यूक्लियोटाइड के थर्ड कार्बन से जुड़ा है तो जो फिफ्थ थर्ड ये जो कार्बन है यही पोलरिटी होती है जिधर फ्री फॉस्फेट ग्रुप आपको दिखेगा दैट मीन्स वो फाइव प्राइम एंड है और जिधर फ्री जिधर आपको सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखेगा मतलब इसके बाद फर्दर कोई फास्फेट नहीं जुड़ा कोई न्यूक्लोटाइड तो ये आपका थ्री प्राइम है क्योंकि थर्ड कार्बन पे ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप जुड़ता है जिधर फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप दिखेगा वो है अब इसके सामने वाली आप चेन देखो ये जस्ट अपोजिट है इसमें आपको फ्री फॉस््रिड ग्रुप नीचे की तरफ दिख रहा है और जो थ्री प्राइम हाइड्रोक्सिल ग्रुप है जो ये फ्री आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर की तरफ दैट मीन्स कि थर्ड कार्बन ऊपर है और फिफ्थ कार्बन यहाँ पे नीचे क्योंकि इसमें पेंटोशुगर सारी देखो ये सब उल्टी दिख रही हैं तो दैट मीन्स कि ये सारे जो इधर के न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं ये उल्टे अरेंज होते हैं दैट मीन्स अगर हम इसको थोड़ा सा आपको बना के दिखाना चाहें तो अगर मान लो जैसे एक चेन बनाएं जैसे पी एस ए पेंटो ये है फॉस ग्रुप पेंटोशुगर नेट्रोबेस पी एस जी पी एस सी पी एस टी ये हमने आपको एक पॉलिनक्लोटाइड चेन दिखा दी अगर इसके जस्ट सामने की जो चेन होगी वो चेन आपको इस तरीके से बनी हुई दिखेगी जस्ट सामने आपको बना देते हैं जैसे यहाँ पे आपको अगर टी से जोड़ें, तो इधर होगा ए बॉन्ड एस बॉन्ड पी ये जुड़ागा इधर होगा सी बॉन्ड एस बॉन्ड पी ये क्या होगा सी सॉरी ये जी होगा सी बॉन्ड एस बॉन्ड पी और ये होगा टी बॉन्ड एस बॉन्ड पी और ये इस तरीके से जुड़ा होगा जबकि होता जस्ट अपोजिट है एग्जैक्टली पी हमने उल्टा नहीं बनाया यहाँ पे, बट पी उल्टा बनेगा किस तरीके से वो भी दिखा देते हैं ताकि आपको बिल्कुल डाउट भी ना रहे इस चीज़ में कि ये इस तरीके से अरेंजमेंट कैसे होता है तो थोड़ा सा डिफरेंट आपको लगेगा बट उसको हम बना देते हैं कि सामने चेन से एक दूसरे से एंटी पैरेलल किस तरह से होती हैं ठीक है तो देखो इसमें यहाँ पे क्या है यहाँ पे आपको जुड़ा होगा ए बॉन्ड एस और बॉन्ड पी इस तरीके से इसमें जुड़ा होगा जी बॉन्ड एस बॉन्ड पी इधर जुड़ा होगा सी बॉन्ड एस बॉन्ड पी इधर जुड़ा होगा टी बॉन्ड एस और बॉन्ड पी और ये इस तरीके से जुड़ेंगे दैट मीन्स कि डीएनए की जो दोनों चेन होती हैं वो एक दूसरे के एंटी पैरल होती हैं ये तो हमने सिर्फ चार चार न्यूक्लोटाइड का दिखाया है ऐसे कर मिलियंस ऑफ न्यूक्लोटाइड होते हैं एक दूसरे के तो दैट मीन्स अगर हम इसको देखें तो इसमें आपको दिख रहा होगा कि इस वाली लेफ्ट वाली चेन में फाइव प्राइम फॉल्सट ग्रुप ऊपर है तो ये फाइव प्राइम ऊपर है इसका और इसका जो थ्री जो पेंटो पेंटोशुगर यहाँ पर पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होगा तो थर्ड कार्बन नीचे है जबकि इस चेन में देखो फिफ्थ पे जो फॉस्टेट ग्रुप है वो ऊपर की तरफ है तो फाइव प्राइम ऊपर होगा और जो नीचे थर्ड है आपका तो तो कि इस, कि ये आपका थर्ड कार्बन इधर होगा तो दैट मीन्स कि इसकी ये फाइव टू थ्री इस डायरेक्शन में है और ये फाइव टू थ्री इस डायरेक्शन में आई थिंक इससे तुम लोग को डी का जो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन है इसकी पोलरिटी समझ में आ गई होगी अब यहाँ पे एक चीज़ हमको और ध्यान देने वाली है कि पेंटो शुगर दैट मीन्स की एस और बेस मतलब ए में कोई भी अगर इन दोनों को जोड़ते हैं पेंटो शुगर या कोई भी बेस तो वो बनता है न्यूक्लियोसाइड ठीक अगर इसमें हम फॉस्ड ग्रुप और जोड़ दें मतलब न्यूक्लियोसाइड में फॉस्ड ग्रुप और जोड़ दें दे, पी जोड़ दें तो बन जाएगा न्यूक्लोटाइड दैट मीन्स अगर हम दैट मीन्स कि अगर हम इसमें ये बनाएं कि इसमें हम पेंटो शुगर और नेटोन बेस दिखाएँ तो दैट मीन्स ये है न्यूक्लोसाइड और इसमें फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो ये है न्यूक्लोटाइड तो न्यूक्लियोसाइड एंड न्यूक्लोटाइड आपको पता चल गए कि न्यूक्लियोटाइड में अगर हम फॉस्फेट ग्रुप हटा दें तो वो न्यूक्लोसाइड बन जाएगा और न्यूक्लियोसाइड में अगर फॉस्फेट ग्रुप जोड़ दें तो वो न्यूक्लोटाइड बन जाएगा ठीक है तो दैट मीन्स आपको ये क्लियर हो गया तो इसके अकॉर्डिंग हम थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लेते हैं इसमें जो दो न्यूक्लियोटाइड होते हैं ये एक दूसरे से थ्री से फाइव फॉसोडाइस्ट्रल लिंक से जुड़ते हैं जैसा हमने बताया था कि एडजेसड न्यूक्लियोटाइड हमेशा फॉसोडाइस्ट्रल लिंक से जुड़ेंगे और इसे बोलेंगे डाय न्यूक्लोटाइड मतलब अगर एक न्यूक्लियोटाइड ये है और एक न्यूक्लियोटाइड ये है तो ये दोनों एक दूसरे से ये फॉसोडाइस्टर से लिंकस से जुड़ते हैं है और इसको हम बोलते हैं डाय न्यूक्लोटाइड ठीक तो है तो अब पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन हैज फ्री फॉसफे ग्रुप एट फाइव प्राइम एंड ये एंडने बताया था जो फ्री फॉस्फेर ग्रुप आपको दिखेगा वो, वो हमेशा फिफ्थ प्राइम एंड होगा राइबो शुगर का अगर जो भी शुगर है पेंटो शुगर का एंड ओ एच ग्रुप जो होगा वो हमेशा थर्ड कार्बन पे होगा यहाँ पे पेंटो शुगर मेन कह सकते हैं अगर डी एन ए है तो डी ऑक्सी राइबो शुगर एंड आर एन ए है तो राइबो शुगर अरविंद शर्गाफ जो साइंटिस्ट थे इन्होंने डबल स्टैंडर्ड डीएनए के लिए बताया था कि जो रेशियो होता है एडिनिन और थाइमिन का और ग्वानिन और साइटोजिन का वो हमेशा कांस्टेंट रहता है मतलब हमेशा वन रहेगा कैसे उन्होंने बताया जितना एडिनिन होगा उतना ही थाइमिन होगा जितना ग्वानिन होगा उतना ही साइटोसिन होगा दैट मीन्स ए प्लस जी मतलब एडिनिन प्लस ग्वानिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोजिन क्योंकि जितना एडिनिन है वो थाइमिन उतना होगा जितना ग्वानिन है उतना साइटोजीन होगा सिंपल क्योंकि आपको पता है कि डीएनए में जो दो न्यूक्लियट एडिन होती है उसमें अगर इधर एडनिन है तो सामने थाइमिन होगा और इधर ग्वानिन है तो सामने साइटोसिन ही होगा इसका मतलब जितना एडिनिन है उतना थाइमिन है जितना ग्वानिन है उतना साइटोजीन है इसका मतलब एडिनिन प्लस ग्वमिन ग्वानिन इक्वल टू थाइमिन प्लस साइटोजीन तो ये बताया था अरविंद शर्गाव ने उन्होंने कहा था कि जो ओवरऑल बेस कंपोजिशन है किसी ऑर्गेनिज्म का वो इन वेरियंट होता है दैट मीन्स वो कभी भी चेंज नहीं होता है मतलब जो आपको बेस कंपोजिशन मिला है वो आपके बदलते हुए न्यूट्रिशन या एज के साथ वो बदलेगा नहीं वो बेस कंपोजिशन आपका वही रहेगा द बेस कंपोजिशन ऑफ वन स्पेषीज डिफरेंट फ्राम इन अनदर स्पेशज और जो बेस कंपोजिशन होता है वो अलग अलग स्पेशज का अलग अलग होता है बेस कंपोजिशन इज सेम इन ऑल द टिश्यू ऑफ एन ऑर्गेनिज्म अब जैसे हमारी बॉडी में जितने भी टिश्यूज़ हैं सभी टिश्यू में सेल्सों वही हैं 46 सिक्स वही हैं तो दैट मीन्स कि जो बेसिस हैं वो भी वही होंगे जो हमारी एक सेल में होंगे वही हमारी सारी सेल्स में होंगे इन एडिशन द टोटल सम ऑफ़ द प्यूरिन इज इक्वल टू द टोटल सम ऑफ द पिमिडिन जैसा हमने कहा एडिनिन ग्वानिन अगर हम जोड़ दें तो वो थाइमिन और साइटोजिन के इक्वलेंट होंगे दैट मीन्स जितना प्यूरिनस होगा उतना पिरीमिडिनस होगा क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि हमेशा एक प्यूरिन दूसरे प्रिमिडीन के साथ ही बॉन्ड बनाता है क्योंकि एडिनिन प्यूरिन है और थाइमिन पिमिडिन है वैसे ही ग्वानिन प्योरीन है और साइटोजीन परिमिडीन है दैट मीन्स जितना प्योरिन होगा उतना ही प्रिमिडीन होगा द एबव क्वानिटिव एनालिसिस इज ऑल्सो कॉड इसी को हम शर्गाफ रूल भी बोलते हैं ठीक है शर्गाफ रूल क्या है द नंबर ऑफ एडेनिन इज ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ थाइमिन एंड द नंबर ऑफ साइटोजीन आर ऑलवेज इक्वल टू द नंबर ऑफ ग्वानिन द सम टोटल ऑफ प्योरिंस इज इक्वल टू द सम टोटल ऑफ टोटल पिरिमिड ये शरगाफ़ का रूल है अरविंद शरगाफ़ का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट था क्योंकि इनके रूल के बाद ही जो वॉटसन और क्रिक थे उन्होंने डबल हेल्कल मॉडल की स्टेबिलिटी लोगों तक बताया था और डबल हेल्कल का मॉडल जो मॉडल डबल हेल्कल मॉडल है डी का वो उन्होंने लोगों तक लोगों को देख बताया था सबसे पहले तो, तो दैट मीन्स प्रपोज जो तभी कर पाए थे जब अरविंद शरगाव का ये रूल मिला था तब डी की स्टेबिलिटी जो थी वो प्रूफ हुई तो अभी तक हम लोग ने एक जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में देखा थोड़ा सा डीएनए के बारे में देखा इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डीएनए को डिटेल में डिस्कस करेंगे तब जो वाटसन और क्रिक का जो डबल हेल्थर मॉडल है जो डीएनए के स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करता है डिफाइन करता है उसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में तब तक कि हम लोग ने जो अभी इंट्रोडक्शन पढ़ा इसको आपको अच्छे से रिवाइज़ कर लेना है एक बार अच्छे से पढ़ लेना है और इनकेस कोई क्वेश्चन होते हैं तो हमेशा कमेंट सेक्शन में पूछिए और तब तक ले थैंक यू एंड थैंक यू ऑल एंड हैव अ नाइस डे बेटा